Assalamualaikum students, welcome to today's class. और आज हम डिस्कस करेंगे टर्की का पॉलिटिकल सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट. जी, तो टर्की के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं टर्की का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको और उसकी हम सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2017 में इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स आई थी. ठीक है, वहाँ पे रेफरेंडम हुआ था. जैसे हमारी 18th अमेंडमेंट ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, तो उसी तरह टर्की में भी 2017 में जो रेफरेंडम हुआ था उसने टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा चेंज किया. ठीक है, तो वो जो चेंजेस से पहले वाला भी हम देखेंगे और फिर चेंजेस के बाद देखेंगे कि टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन फिर क्या बन गया. ठीक है, तो इसकी अगर सेलियंट फीचर्स की बात की जाए तो ये बल्कि यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगी. ये हम इसका डिटेल में इनको देखते हैं, इनकी सेलियंट फीचर्स को, फिर आपको क्लैरिफाई होगा. ठीक है, इसकी हम सेलियंट फीचर्स देखेंगे, फिर हम 2017 वाला जो रेफरेंडम हुआ था उसके ज़रिए जो रिफॉर्म्स आई थी वो देखेंगे इसमें. ठीक है, तो ये जो वाला कॉन्स्टिट्यूशन है टर्की का, ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है 1921 से. 1921 में टर्की जो है आज़ाद हुआ था, रिपब्लिक बना था, ओटोमन एम्पायर. और ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1980 में जो मिलिट्री कू हुआ था उसके बाद इसको इनकॉर्पोरेट किया गया. ठीक है, और इसको भी एक पॉपुलर रेफरेंडम के ज़रिए इसको इनकॉर्पोरेट किया गया. ये टर्की का सुप्रीम लॉ है. और ये जो कमाल अतातुर्क जो टर्की का फाउंडर था उसके प्रिंसिपल्स के एन मुताबिक है ये. ठीक है, अब इसकी सेलियंट फीचर्स क्या है, टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन की सेलियंट फीचर्स क्या है. सबसे पहली बात, ये रिटन है और कोडिफाइड है. उस तरह नहीं है जैसे ब्रिटेन का हमने देखा था कि वो कोडिफाइड नहीं है, उसके डिफरेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स थे, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, वो तो इस तरह से था. टर्की कैसे नहीं है, टर्की का कोडिफाइड है, रिटन है, एक कंपाइल्ड फॉर्म में है. ठीक है, और इसके 117 आर्टिकल्स हैं. फिर इसमें टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सेकुलरिज्म नजर आती है. उसका क्या मतलब है, यानी कि टर्की में बहुत ही स्ट्रिक्ट सेपरेशन है स्टेट की और रिलीजन की. ठीक है, और ये मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था उसका उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक है. उसने भी यही कहा था कि आपने रिलीजन को जो है स्टेट से बिल्कुल आपने सेपरेट रखना है. ठीक है, तो वो चीज़ भी हमें टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा नज़र आती है. ठीक है, फिर ये रिजिड है लेकिन इतना ज़्यादा रिजिड भी नहीं है, इसमें पार्शल रिजिडिटी है. ठीक है, अच्छा नेटवर्क लैगिंग. लेट मी, अब मेरी वॉइस सही आ रही है आपको, कोई डिस्टॉर्शन अब तो नहीं आ रही? ठीक हो गया.
इसमें हमें ये बहुत ज्यादा रिजिड भी नहीं है, ठीक है, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। इसमें हमें पार्शियल रिजिडिटी नजर आती है, ठीक है। वो कैसे कि इसका जो अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उस वो ऐसे है कि टर्की की जो असेंबली है, अच्छा टर्की की एक ही असेंबली है, जैसे हमारी दो है, नेशनल असेंबली और सेनेट, ठीक है, हमारा बाइकैमरल सिस्टम है, टर्की का यूनिकैमरल है, उनकी एक ही असेंबली है जिसको कहते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली में इनिशिएट होता है, ठीक है, और उसको इनिशिएट करने के लिए आपको 1/3 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, इनिशिएट करने के लिए सर, ठीक है। लेकिन उसको आप रेटिफाई करने के लिए अगर वो अमेंडमेंट पास हो तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है ग्रैंड नेशनल असेंबली की, तो पार्शियल इसमें रिजिडिटी है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपने करनी हो अमेंडमेंट तो आपको 2/3 नेशनल असेंबली से भी चाहिए, 2/3 सेनेट से भी चाहिए, ठीक है। तो उसके मुकाबले में इसकी रिजिडिटी पाकिस्तान के मुकाबले में इसकी कम है। फिर यूएसए की तो इससे भी ज्यादा रिजिडिटी है, पाकिस्तान से भी ज्यादा यूएसए की है, कि यूएसए में आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सेनेट दोनों से 2/3 मेजोरिटी से पास होना पड़ता है अमेंडमेंट को, और फिर आपकी सारी स्टेट्स में से 3/4 ऑफ द स्टेट्स शुड ऑल्सो रेटिफाई दैट अमेंडमेंट, ठीक है। तो इन ममालिक के हिसाब से तो टर्की का लेस रिजिड है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए ब्रिटेन के साथ तो ब्रिटेन से इसका ज्यादा रिजिड है। ब्रिटेन में आपने देखा था उसमें तो बस सिंपल मेजोरिटी हो जाए, 50% से ज्यादा लोग वोट कर दें तो आपका वो अमेंडमेंट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज पार्शली रिजिड, ठीक है। तो एक तो इस तरह से हो सकती है अमेंडमेंट, दूसरा पब्लिक रेफरेंडम के जरिए भी हो सकती है, ठीक है। टोटल 19 दफा ये अमेंड हो चुका है और 3 दफा ये रेफरेंडम के जरिए इसमें अमेंडमेंट हुई है, 2007, 2010 और जो रिसेंट वाली थी बहुत मेजर अमेंडमेंट 2017 वाली, ठीक है। टोटल इसके 177 जो आर्टिकल हैं उनमें से 117 अमेंड हो चुके हैं, यानी कि बहुत ही इसका सिग्निफिकेंट पोर्शन वो अमेंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर आती है, ठीक है। वो कैसे कि आपकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो आपकी है ग्रैंड नेशनल असेंबली के पास, ठीक है, और जो आपकी एग्जेक्टिव पावर्स है वो आपके हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट आपका ग्रैंड नेशनल असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, ठीक है, और इसमें आपके कोर्ट्स का भी सिस्टम मौजूद है, ठीक है, कोर्ट्स की पावर भी अलग है, फ्यूजन नहीं है इनके साथ, जैसे ब्रिटेन में हमने देखा था। ब्रिटेन में तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, वो तो क्रिएट भी जाके 2009 में जाके वो क्रिएट हुई है पहली दफा, और वो कोई जुडिशियल रिव्यू टाइप वो कुछ भी नहीं कर सकती। टर्की में ऐसा नहीं है, टर्की में आपकी जो कोर्ट्स हैं वो हैं बड़ी, उनके पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है। इस वजह से हमें वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नजर आती है। फिर 2017 वाली अमेंडमेंट से पहले टर्की में पार्लियामेंट्री सिस्टम था, 2017 वाली अमेंडमेंट के बाद वहां पे अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ज्यादा, ठीक है। पहले वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है, 2017 वाली अमेंडमेंट के बाद, रेफरेंडम के बाद प्राइम मिनिस्टर अब जो है खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर पहले होता था वो ग्रैंड नेशनल असेंबली का पार्ट होता था, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली का पार्ट होता है, ठीक है, और वो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता था, ठीक
और उसको भी उसके पर भी एक चेक होता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, जैसे हमारे यहाँ भी है, ठीक है, और वो भी असेंबली के सामने अकाउंटेबल होता था, ठीक है। लेकिन 2017 वाले रेफरेंडम में, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था और अब टोटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम है टर्की में, ठीक है। फिर हमें टर्की में यूनिकैमरलिज्म भी नजर आती है, ठीक है, कि उससे पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1961 वाला, ठीक है, उसमें कहा था कि आपका जो लेजिस्लेचर है उस वो बाईकैमरल होगा, ठीक है, नेशनल असेंबली होगी उसमें और सेनेट भी होगा जैसे हमारा अब है, ठीक है। लेकिन 1980 में जो उनका मिलिट्री कू हुआ, 1980 के मिलिट्री कू के बाद फिर 1982 में कॉन्स्टिट्यूशन ये अडॉप्ट किया गया जो भी तक चल रहा है, ठीक है, इसमें उन्होंने सेनेट को ख़त्म कर दिया और इन्होंने कहा कि बस अब एक ही हाउस है और वो है ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है। पहले जो थे ग्रैंड नेशनल असेंबली के मेंबर्स वो 4 सालों के लिए इलेक्ट होते थे, ठीक है, 2017 के रेफरेंडम के बाद अब उनकी जो टर्म है वो अब 5 साल हो गई है, जैसे हमारे 5 साल के लिए नेशनल असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, टर्की में भी ऐसी है। फिर टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट्स की भी प्रोटेक्शन मौजूद है, ठीक है, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट है वो इस चीज की बात करता है, ठीक है। लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सेकुलर आइडियोलॉजी जो है टर्की की, ये उसके मातहत है, ठीक है, पहले प्रायोरिटी हासिल है सेकुलर आइडियोलॉजी को, बाद में ये फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। फिर टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये राइट मिलता है कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हैं, पहले ये एज 21 साल की थी, अगर आपकी 21 साल एंड ऑनवर्ड्स आपकी एज है तब आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते थे, 2017 वाले रेफरेंडम के बाद ये एज रिड्यूस करके 18 साल हो गई है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट भी इनका एक रूल है, ठीक है, जिसके तहत टर्की में आप कोई भी पार्टी रिलीजन की बेसिस के ऊपर नहीं बना सकते, हर पार्टी को उनकी जो सेकुलर आइडियोलॉजी है, जो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन है, उसको फॉलो करना लाजमी है, ठीक है। और इनका जो फाउंडर था मुस्तफ़ा कमाल, वो बहुत स्ट्रिक्टली ये कह गया था कि रिलीजन का बिल्कुल ही कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए टर्की में, ठीक है, सारी पार्टीज को सेकुलर होना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ये भी लाजिम है कि वो नेशनल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करें, ठीक है। फिर टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी की भी एक हमें प्रोविजन मिलती है, ठीक है, उसमें कोई अगर नेशनल डिजास्टर हो या इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो उस केस में एमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। तो उसमें टर्की की एक बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, वो भी अगर कोई वायलेंस और केओस की सिचुएशन हो तो वो भी फिर एमरजेंसी लगा सकती है, ठीक है, जैसे कि 2017 में कू जो है मिलिट्री कू टर्की में फेल हुआ, तो 2016 से लेके 2018 तक आपकी इमरजेंसी चलती रही टर्की में, ठीक है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 20 के मुताबिक उस वक्त वहां पे वायलेंस और केओस की सिचुएशन थी, इस वजह से इमरजेंसी लगाना जस्टिफाइड था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 4 जो एक्स्ट्रॉर्डनरी रूल की टाइप्स हैं वो है मार्शल लॉ, 2017 वाली अमेंडमेंट से पहले टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलिट्री को इजाज़त थी कि वो मार्शल लॉ लगा सकती है, उनके ये लीगल था,
मार्शल लॉ लगाना कोई ऐसा नहीं था कि आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बल्कि टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता था, आर्मी को इजाजत थी कि मार्शल लॉ को लगा सकती है, ठीक है, तो इसकी आपको इजाजत थी उसमें, ठीक है। स्टेट ऑफ एमरजेंसी भी लगा सकते हैं आप, मोबिलाइजेशन और स्टेट ऑफ वॉर, इन केसेस में आप जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी रूल आपको अलाउ करते हैं टर्की का कॉन्स्टिट्यूशन। और मार्शल लॉ लेकिन 2017 वाला इनका जो हुआ था रेफरेंडम, उसमें फिर अबॉलिश कर दिया गया था, अब लीगल नहीं है, ठीक है। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमरजेंसीज थी सबको एक ही अब कह दिया है कि स्टेट ऑफ एमरजेंसी होगी, ठीक है, अब उसको एक ही में मर्ज कर दिया। मार्शल लॉ कैसे लगता था, किन केसेस में लगाया जा सकता था, ठीक है, जब सर्कमस्टांसेस सिविल गवर्नमेंट की कंट्रोल से बाहर हो जाए, तब आपका मार्शल लॉ लगा सकती थी आपकी आर्मी, ठीक है, और ये आपके डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ही इसकी इजाजत थी, ठीक है। आपकी जो ग्रैंड नेशनल असेंबली है GNA, उसने अप्रूव करना होता था मार्शल लॉ को, लेकिन 2017 वाला जो आपका रेफरेंडम हुआ और जो अमेंडमेंट हुई उसमें मार्शल लॉ के दरवाजों को बंद कर दिया गया। अब 2017 वाली जो आपकी अमेंडमेंट थी और जो आपका रेफरेंडम था वो क्या था, ठीक है। अब इसका हम बैकग्राउंड पहले देखते हैं कि ये क्यों और किन हालात में लगाया गया, ठीक है, रेफरेंडम ये क्यों हुआ। ये 1921 से जब से टर्की बना है पूरी हिस्ट्री में इट इज वन ऑफ द लैंडमार्क अमेंडमेंट्स, ठीक है। इसमें 18 कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुई, ठीक है, और पिछला जो रेफरेंडम हुआ था 2007 वाला, उसमें उसके बाद काफी से फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स आती थी, और 2007 से लेकर 2017 तक 65 फ्रेजाइल कोलिशन गवर्नमेंट्स चेंज हो चुकी थी, ठीक है, तो इतना वो अनस्टेबल था। तो ये इस वजह से भी इंट्रोड्यूस कराया गया कि फ्यूचर में इस तरह के स्टेलमेट्स ना हो, ठीक है, और ये बहुत ही क्लोज रेशियो से पास हुआ, ठीक है, 51-49, ठीक है। और ये कहा जाता है कि अतातुर्क ने, सॉरी, अर्दोगान ने काफी ज्यादा इसमें बैलेट स्टफिंग हुई, ठीक है, और बहुत ज्यादा रिगिंग हुई, फेक बैलेट्स कास्ट हुए, और तब जाके ये जो नंबर है ये पूरा किया गया, बट दे आर एलिगेशंस, ठीक है। और इसमें ये भी मार्शल लॉ भी आपको बताया कि मार्शल लॉ फिर खत्म कर दिया गया, क्योंकि 2016 में मार्शल लॉ आया था टर्की में, और कोशिश की गई थी कि अर्दोगान की जो हुकूमत है उसको हटा दिया जाए, लेकिन वो फेल हो गया था, क्यों, क्योंकि लोग सड़कों पे बाहर निकल आए थे, ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा पावर्स थी अर्दोगान के पास कि वो मिलिट्री को भी उसने जो है रेन किया, मार्शल लॉ की गुंजाइश भी कॉन्स्टिट्यूशन में खत्म की, और जो मिलिट्री जनरल्स थे मार्शल लॉ के पीछे उसको बहुत ज्यादा उसने कैद भी किया और सजाएं भी उनके लिए मुख्तस की। अब इसमें क्या अमेंडमेंट्स हुई, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया, ठीक है। पहले आपका पता है इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम था, प्राइम मिनिस्टर भी होता था, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट खत्म हो गई, अब सिर्फ एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अब डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पहले डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, अब जैसे यूएसए का डायरेक्टली इलेक्टेड है, जैसे फ्रांस का डायरेक्टली इलेक्टेड है, तो टर्की का भी अब ऐसे ही है, ठीक है। इसकी अब टर्म्स के ऊपर भी लिमिट है कि अब इसकी 4 टर्म्स होगी और 5 ईयर एक टर्म का टेन्योर होगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आफ्टर दिस रेफरेंडम, ठीक है। प्रेसिडेंट अब पहले सिर्फ हेड ऑफ स्टेट था, अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस खत्म हो गया तो अब वो हेड ऑफ स्टेट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, ठीक है, और उसके पास पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट्स को भी अपॉइंट कर सकता है
और मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। जैसे यूएस के प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सारी अपनी कैबिनेट खुद चूज कर सकता है, उसी तरह टर्की के प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन एक फर्क ये है कि यूएस का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो भी इलेक्टेड होता है। टर्की का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं होता, वो आपका प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट वो खुद अपॉइंट करता है। ग्रीस के पास ये पावर भी है कि ये पार्लियामेंट को यानी कि ग्रैंड नेशनल असेंबली को रिजॉल्व भी कर सकता, ठीक है। लेकिन 3/5 ऑफ द मेंबर्स की अप्रूवल लाजमी है, तब जाके वो रिजॉल्व होगी। और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट खुद भी जाएगा, ठीक है, खुद भी उसका री इलेक्शन होगा, ठीक है। तो इस केस में वो फिर डिसॉल्व कर सकता है। यूएसए में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और जैसे यूएसए में एक लाइन ऑफ सक्सेशन है कि प्रेसिडेंट अगर मर जाए या कुछ हो जाए उसको, तो उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ना बने तो फिर और बनते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इस तरह, ठीक है। एक प्रॉपर लाइन ऑफ सक्सेशन है, यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सक्सेशन नहीं है कि प्रेसिडेंट को अगर कुछ हो जाए, लाख हो जाए, तो कोई इस तरह की मैकेनिज्म फिर नहीं है। और प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि वो जो फिस्कल बजट है वो प्रपोज करता है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट की मर्जी, ग्रैंड नेशनल असेंबली की मर्जी है कि उसको अप्रूव करे रिजेक्ट करे, लेकिन प्रपोज प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, ठीक है। एक तो इसके ऊपर लेजिस्लेचर का जो चेक था पहले प्राइम मिनिस्टर के पास ऊपर होता था चेक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, अब वो कोई इस तरह का चेक प्रेसिडेंट के ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये किसी भी लेजिस्लेशन को वीटो कर सकता है, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट ने किसी लेजिस्लेशन को किसी बिल को वीटो कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट को यानी कि आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली को उसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना होगा। सिंपल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या फर्क है? सिंपल मेजोरिटी तब होती है कि आपके असेंबली में जितने मेंबर्स मौजूद हैं उनमें से मेजोरिटी मेंबर्स अगर एक बिल के लिए वोट कर दें तो वो पास हो जाता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है कि टोटल जितने मेंबर्स हैं उनमें से 50% से ज्यादा वोट करें, ठीक है। जैसे टर्की ही ग्रैंड नेशनल असेंबली के टोटल मेंबर्स हैं 600, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये है कि 300 से ज्यादा लोग वोट करें, तब जाके आपका लॉ पास होगा जब प्रेसिडेंट वीटो करेगा, ठीक है। तो फिर एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होगी वो लॉ पास करने के लिए, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी है कि वो रेफरेंडम्स भी कॉल कर सकता है, ठीक है, और वो डिक्रीज भी अपने इशू कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस चल रही थी, तो वहां पे इस तरह भी पावर है उसके पास। लेकिन अगर कोई वो ऐसी डिक्री इशू करता है और ऊपर से फिर पार्लियामेंट भी कोई ऐसा लॉ पास करता है कि प्रेसिडेंशियल डिक्री और पार्लियामेंट का कोई पास्ट लॉ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर पार्लियामेंट की बात मानी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है वो मोस्टली पार्लियामेंट के पास ही है। फिर इसकी जुडिशियल पावर्स क्या है, ठीक है। तो इनका जैसे फ्रांस में हमने देखा था कि उनका जुडिशियल रिव्यू करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल थी, ठीक है। हमारा तो सुप्रीम कोर्ट करता है जुडिशियल रिव्यू, यूएसए का भी ऐसे करता है। फ्रांस में उन्होंने अलहदा से बनाया हुआ था जुडिशियल रिव्यू करने के लिए, तो टर्की में भी इसी तरह जुडिशियल रिव्यू के लिए अलहदा से एक कोर्ट है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। उसके टोटल 15 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 15 में से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है, और बाकी जो 3 है वो ग्रैंड नेशनल असेंबली अपॉइंट करती है, ठीक है। तो यहाँ से देखें प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर्स हैं, ठीक है, कि कोई भी लॉ आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली पास करे, उसके अपने बंदे बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, वो कहते हैं कि भाई ये लॉ गलत है आपका, ये पास ही नहीं होगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की बहुत
इसमें चलती है कि कौन सा लॉ पास होगा। फिर इस तरह इनकी एक और बॉडी है काउंसिल ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स, उसके भी चार जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिसके ये 15 में से 12 मेंबर्स अपॉइंट करता है, उसको ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये वाला जो लॉ है इसको आप एनल कर दें, इसको आप वॉइड कर दें, ठीक है, जो नेशनल असेंबली ने, ग्रैंड नेशनल असेंबली ने जो लॉ पास किया आप इसको नल एंड वॉइड कर दें, ठीक है। तो ये थी इसमें पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये जो आपका 2017 वाला रेफरेंडम हुआ, इसमें पार्लियामेंट में क्या रिफॉर्म्स की गई, जो आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली है उसमें क्या रिफॉर्म्स की गई, ठीक है। इसमें पहली बात तो यही हुई कि पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, अगर कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट आया प्रेसिडेंशियल डिग्री के साथ, तो पार्लियामेंट के लॉज दे विल बी सुप्रीम, ठीक हो गया। दूसरा, जो पार्लियामेंट के लॉज हैं, अगर प्रेसिडेंट वीटो करता है कोई लॉ, ठीक है, तो पार्लियामेंट एब्सोल्यूट मेजोरिटी से फिर भी वो लॉ पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर पार्लियामेंट की सीट्स भी इंक्रीज कर दी थी, पहले 550 होती थी उनको 600 कर दिया। फिर पहले पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे उनकी टर्म होती थी 4 साल, उसको भी 5 साल कर दिया गया, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 3 मेंबर्स ये अपॉइंट करते हैं, बाकी 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। दूसरी इनकी बॉडी है बोर्ड ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स, उसके भी 7 मेंबर्स ये अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये फिर प्रेसिडेंट को इंडाइक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यूएसए में होता है, ठीक है। अगर 2/3 जो हैं, यानी कि 600 में से 400 मेंबर्स कह दें कि प्रेसिडेंट ने कोई गलत काम किया है और इसके खिलाफ एक कार्रवाई होनी चाहिए, तो फिर प्रेसिडेंट इंडाइक्ट भी हो जाता है, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ठीक है। तो अब 2017 में, पहले इनका कोई सिस्टम होता था इंटरपेलेशन का, उसको 2017 वाले रेफरेंडम ने रिप्लेस कर दिया विद पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन। अब आपकी पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें पार्लियामेंट के पास ये पावर्स हैं कि कैबिनेट या वाइस प्रेसिडेंट ने उनको वो क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, और रिटर्न क्वेश्चन आंसर सेशन उनसे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट भी नए इलेक्शंस कॉल कर सकता है और पार्लियामेंट भी कॉल कर सकता है, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट कहता है कि नए इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर आपका प्रेसिडेंट भी जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट भी जाएगा और साथ आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली भी जाएगी। तो प्रेसिडेंट जब नए इलेक्शंस कॉल करेगा, उसके लिए आपको 3/5 वोट भी चाहिए होगा। ग्रैंड नेशनल असेंबली का तब जाके री इलेक्शन हो सकेगा, ठीक है। फिर पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो प्रेसिडेंशियल डिग्री को अप्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने अगर कोई डिक्लेयर की है, ठीक है, तो उसको वो अप्रूव भी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने ठीक लगाई है, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको शॉर्टन भी कर सकते हैं। ये सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। फिर
2017 वाले रेफरेंडम ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या इंट्रोड्यूस कराई? एक तो हमने जैसे पहले बात की, ठीक है, कि इलेक्शन के लिए कैंडिडेसी अब 21 साल की बजाय एज कर दी गई है 18 साल, ठीक है, जो लाजमी तौर के ऊपर मिलिट्री सर्विस लाजमी थी वो भी अब खत्म कर दी गई है, ठीक है। फिर अब जो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं वो एक ही दिन को होते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सिंपल मेजोरिटी नहीं जीतता, ठीक है, तो फिर वो रन ऑफ में जाते हैं, ठीक है, कि जो उनके टॉप के फिर कैंडिडेट्स होते हैं दो, उनका फिर आपस में मुकाबला होता है और उनमें से जो ज्यादा वोट्स लेता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है। तो टू राउंड अप इनका एक प्रोसेस है। उसके बाद जो आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक से ज्यादा पार्टीज की इंडोर्समेंट भी होना लाजमी है उनके पास, ठीक है, और पिछले वाले इलेक्शंस में उनको 5% वोट एटलीस्ट मिले हों। पिछले वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उस बंदे को 5% एटलीस्ट वोट मिले हुए हों, ठीक है, और उसके 1,00,000 वोटर्स एटलीस्ट हों पिछले वाले इलेक्शन में, तब जाके वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये इसलिए कि कोई भी आके हर कोई ना स्टार्ट हो जाए प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना। प्रेसिडेंट की जो टर्म लिमिट है वो भी 2 दफा के लिए इंट्रोड्यूस की गई कि 2 दफा से ज्यादा वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। फिर इसमें कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ठीक है, कि जो पहले आपके मिलिट्री कोर्ट्स होते थे वो सारे अबॉलिश कर दिए, ठीक है। फिर इसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर भी आ गई कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसके 15 में से 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो जुडिशियल रिव्यू भी कर सकता है, यानी कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट पास करती है तो उसको वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। हम ये जो रेफरेंडम है इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि इसके क्या अच्छी बातें हैं और क्या इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अच्छी बात इसमें ये है, बल्कि बुरी बात पहले इसमें ये है, जब ये रेफरेंडम हुआ था इसमें 1.5 मिलियन इनवैलिड बैलेट्स थे, ठीक है, और उनको वैलिड समझ के वो एक्सेप्ट कर लिया गया, और अगर वो आप निकाल दें तो ये रेफरेंडम पास ही ना हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहला मसला तो इसमें ये है, लेकिन ये एलिगेशन है तो एलिजिड का हमने हमेशा वर्ड यूज करना है, ठीक है। और ये जो रेफरेंडम हुआ था स्टेट ऑफ एमरजेंसी उस वक्त चल रही थी, आपको पता है 2016 से लेके 2018 तक टर्की में स्टेट ऑफ एमरजेंसी रही, ठीक है, 2016 से 2018 तक। इसमें फिर एक ये खतरा है कि प्रेसिडेंट का रोल तो आपने बढ़ा दिया, उसको ज्यादा पावरफुल तो आपने कर दिया, इस वजह से कि स्टेबिलिटी आए, जो पहले इतनी ज्यादा गवर्नमेंट्स बार बार चेंज हो रही थी, आपने इस वजह से उसको ज्यादा पावरफुल कर दिया प्रेसिडेंट को कि कुछ स्टेबिलिटी आए, ठीक है। लेकिन इसमें खतरा ये है कि प्रेसिडेंट आपका डिक्टेटोरियल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक बात ये भी है कि प्रेसिडेंट क्योंकि आपका लीडर है मेजॉरिटी पार्टी का, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उसका काफी ज्यादा स्वे होता है पार्लियामेंट के ऊपर। कि अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर पीटीआई के आपके जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, अगर वो प्रेसिडेंट होते तो डायरेक्टली तो उनका कोई इन्फ्लुएंस ना होता आपकी नेशनल असेंबली पे, ठीक है, लेकिन पार्टी तो उनकी ही थी तो ऑब्वियसली उन्हीं की बात मानी जानी थी, ठीक है, नेशनल असेंबली में भी, ठीक है। तो उसी तरह टर्की के प्रेसिडेंट को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हासिल है उनकी ग्रैंड नेशनल असेंबली पे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल में भी प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा स्वे है कि 15 में से 12 मेंबर्स वो खुद अपॉइंट करता है, ठीक है। तो कोई भी लेजिस्लेशन जो उसे पसंद ना आए वो कह सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कि आप इसको, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को कह सकता है कि बस आप इसको वीटो करें,
इसको इनवैलिड डिक्लेयर करें। तो इसमें ये बात ठीक है, हम इसमें एंड में अपना एक ओपिनियन देंगे कि ये बात सही है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स आ गई हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा चेक्स एंड बैलेंसेस हैं टर्की के सिस्टम में, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है वो वीटो को ओवरराइड कर सकता है, प्रेसिडेंट जब वीटो करे तो उसको वो ओवरराइड भी कर सकता है, ठीक है। और पार्लियामेंट आपका प्रेसिडेंट को इंडाइक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू भी मौजूद है, ऑल दो जुडिशियल रिव्यू ठीक है उसमें ज्यादातर बंदे आपके अपने प्रेसिडेंट के ही हैं, लेकिन फिर भी किसी हद तक मौजूद तो है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो इस वजह से इस रिफरेंडम के थ्रू टर्की में एक स्टेबल डेमोक्रेसी आ सकती है, रह सकती है, ठीक है। तो ये थी इसकी क्रिटिकल एनालिसिस। इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो यू गाइस कैन आस्क क्वेश्चंस। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला टॉपिक टर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, उसके बात आपको समझ ना आई हो, हमने पहले बात की थी जो टर्की का पहले कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा था, उसके बाद हमने बात की कि जो 2017 वाला रेफरेंडम हुआ फिर उसमें क्या चेंजेस आए, ठीक है। ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, इट्स क्लियर टू यू। अच्छा, हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, जिसकी हमने ऑलरेडी भी कुछ बात की है, ठीक है। इसको अब थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल में देखते हैं कि इसकी क्या पावर्स हैं, कैसे इसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, और फिर इसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या इसकी बुरी बातें हैं, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको पता है कि यूनिकैमरल है, जैसे हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट है, इधर ऐसा नहीं है, इधर ये सिर्फ यूनिकैमरल है, ठीक है। और लेजिस्लेचर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, पावर अथॉरिटी इसके पास है। जो आपका 1961 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें आपकी ये जो असेंबली है ये बाई कैमरल होती थी, ठीक है। और आपको पता है कि हमने जैसे पहले डिस्कस किया 1982 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1980 वाले कू के बाद, मिलिट्री कू के दोबारा से यूनिकैमरल कर दिया गया, ठीक है, यानी कि सिंगल हाउस। फिर इसके मेंबर्स इलेक्ट कैसे होते हैं, ठीक है, 600 मेंबर्स इसके टोटल हैं, 5 साल उनकी टर्म होती है, ठीक है। और इसमें ये सिस्टम यूज किया जाता है, ठीक है, कि सिर्फ वो पार्टी अपने मेंबर्स को पार्लियामेंट में भेज सकती है जो पार्टी एटलीस्ट 10% ऑफ द वोट्स जीती हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में फर्ज करें 2018 वाले इलेक्शन में 5 करोड़ वोट कास्ट हुए, ठीक है, तो 5 करोड़ का 10% क्या बनेगा, 5 करोड़ का 10% बनेगा 50 लाख, ठीक है। तो जिस पार्टी को एटलीस्ट 50 लाख वोट मिले होंगे वही जा सकती होगी, उसके मेंबर सिर्फ पार्लियामेंट में जा सकते हैं, उसके अलावा जो छोटी मोटी पार्टीज हैं वो नहीं जा सकती पार्लियामेंट में, ठीक है। तो एक ये कंडीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से 2002 में सिर्फ 2 पार्टीज आ सकी थी पार्लियामेंट में, 3 पार्टीज आई थी 2007 में, ठीक है, 5 2015 में और 4 आई थी 2018 में, ठीक है। तो बहुत ही कम पार्टीज आ सकती हैं क्योंकि एटलीस्ट 10% ऑफ द वोट्स उनको जीता होना चाहिए, ठीक है। ये टर्की की मेन पार्टीज हैं जिनमें ये वाली पार्टी जो है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP, ये आपकी प्रेजेंटली भी गवर्नमेंट में है,
जब तैयब अर्दोगान की यही पार्टी है। आपकी जो ग्रैंड नेशनल असेंबली है, इसके पास क्या पावर्स हैं? ठीक है, तो सबसे पहले मेन पावर तो इसकी लेजिस्लेटिव ही है। ठीक है, ये लॉज बना सकती है जब भी इसका दिल करे। ठीक है, 2017 के बाद, ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टर्की की बॉडी है, उसको ये वो नहीं कर सकती, अब उसको मॉनिटर नहीं कर सकती, उसको सुपरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है, अब ये हमने जैसे पढ़ा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आए, प्रेसिडेंट जो अपनी डिग्री कोई इशू करता है किसी मामले पे, और पार्लियामेंट या ग्रैंड नेशनल असेंबली भी उसी मामले के ऊपर कोई अपना लॉ पास करती है, तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा हमेशा पार्लियामेंट की बात मानी जाएगी। ठीक है, और प्रेसिडेंट अगर इनका कोई लॉ वीटो करता है तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, यानी 300 से ज्यादा लोग अगर वोट दे दें तो वो प्रेसिडेंट का जो वीटो है वो ओवरराइड हो जाता है और वो लॉ पास हो जाता है। ठीक है, और पहले जो प्राइम मिनिस्टर होता था उसको ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से उसको रिमूव कर सकते थे, लेकिन 2017 के बाद अब इस तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। फिर इसकी क्या एग्जेक्टिव पावर्स हैं आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली की? बहुत ज्यादा डिवीजन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, टर्की में, तो अब इसकी जो एग्जेक्टिव पावर्स है वो बहुत कम हो गई है। अब ज्यादातर एग्जेक्टिव पावर्स आपके प्रेसिडेंट के पास ही हैं। ठीक है, तो जैसे यूएस में जो सेनेट है वो रेटिफाई करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को, इसी तरह टर्की में भी ग्रैंड नेशनल असेंबली इंटरनेशनल ट्रीटीज को रेटिफाई करती है। जिस तरह कांग्रेस यूएस में भी वॉर को ऑथोराइज करती है कि कहाँ पे वॉर स्टार्ट करनी है ये कांग्रेस बताती है थियोरेटिकली, उसी तरह टर्की में भी आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली बताती है। ठीक है, तो इसके पास ये पावर है कि ये वॉर को ऑथोराइज कर सके कि इस कंट्री के साथ हमें वॉर करनी है, इसके पास ये पावर है कि ऑथोराइज कर दे। ठीक है, और ये आर्मी को तब भी यूज कर सकती है अगर कोई इंटरनेशनल लॉ की ऑब्लिगेशंस मीट नहीं हो रही, तो उसकी वजह से भी ये आर्मी को यूज कर सकती है। और इसके पास ये पावर भी है कि कोई फॉरेन ट्रूप्स अगर टर्की में से गुजरना चाहें तो ये उनको अलाउ कर सकती है। फिर फाइनेंसिस के ऊपर इसका क्या कंट्रोल है? ठीक है, तो जो बजट है वो प्रपोज आपका प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, लेकिन आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली के पास पावर है कि उसके ऊपर डिबेट करे, उसको चाहे तो अप्रूव कर दे चाहे तो रिजेक्ट, ये पावर इसके पास है। प्रिंटिंग ऑफ करेंसी से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो भी सारी यही बनाती है। ठीक है, वो डिसीजंस इसके ही होते हैं। ठीक है, और इस सिलसिले में ये दो इसकी, इसके पास जुडिशियल पावर्स क्या है? हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के 15 में से 3 मेंबर्स ग्रैंड नेशनल असेंबली अपॉइंट करती है और बाकी 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो कुछ ये इसकी जुडिशियल पावर्स भी हैं। दूसरी जो बॉडी थी उसके भी 7 मेंबर्स ये अपॉइंट करती है। ठीक है, फिर इसके पास पावर होती है कि प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को इंडाइट कर सके। ठीक है, और इन्वेस्टिगेट भी ये कर सकती है बाकी सारे वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को, इन्वेस्टिगेशन की भी पावर्स हैं इसके पास। फिर इसके पास इमरजेंसी में भी काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, पहली बात तो जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी, पहले तो डिफरेंट टाइप्स होती थी, अब एक ही है, तो वो जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट कह के अगर लगानी है वो अप्रूव करेगी आपकी पार्लियामेंट, ये उसको एक्सटेंड भी कर सकती है, रिमूव भी कर सकती है, शॉर्टन भी कर सकती है। 6 मंथ्स तक वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी को, अनलेस देयर इज वॉर, अगर वॉर हो फिर कोई ऐसी लिमिट नहीं है, फिर जितना मर्जी एक्सटेंड कर दे स्टेट ऑफ इमरजेंसी को। जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी होगी तो हर प्रेसिडेंट का जो डिग्री होगी, प्रेसिडेंट की डिग्री होगी, उसकी जो ऑर्डिनेंस होगी या जो वो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, वो सारे पार्लियामेंट से अप्रूव होना लाजमी है। ठीक है, तो इमरजेंसी में भी पार्लियामेंट के पास या ग्रैंड नेशनल असेंबली के पास बहुत पावर्स होती है।
पहले जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एमरजेंसी थी जिसमें एक मार्शल लॉ भी था, वो जैसे हमने बात की वो सारे अब खत्म हो गए हैं, अब एक ही स्टेट ऑफ एमरजेंसी है। फिर इसके पास पार्लियामेंट्री इंक्वायरीज की भी इसके पास पावर है, इन्वेस्टिगेट ये कर सकती है, ठीक है, आपके वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को, ठीक है, तो ये भी इसके पास पावर है। अब इसकी हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं कि क्या इसमें अच्छी बातें हैं, क्या इसमें बुरी बातें हैं, ठीक है। एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, ये 2017 वाले रेफरेंडम के बाद काफी स्ट्रेंथन हो गई थी। वो कैसे? क्योंकि ये प्रेसिडेंट का जो वीटो है उसको भी ओवरराइड कर सकती है, प्रेसिडेंट को ये इंडाइट भी कर सकती है, ठीक है, और उसकी कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट, उनको भी इंडाइट कर सकती है, ठीक है। तो यहां से ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि इसकी पावर्स बड़ी हैं, ठीक है, लेकिन असल पावर फिर भी प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेजोरिटी पार्टी होती है आपकी उसमें ग्रैंड नेशनल असेंबली में, उसका लीडर तो आपका प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है इसके ऊपर। और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसमें से 15 में से 12 मेंबर्स आपका प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है, तो इस तरह से भी वो इस कोई भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। फिर इसमें एक और मसला ये है कि टर्की का यूनिकेमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है, लेकिन टर्किश नेशन में और भी फैक्शंस हैं, जैसे वहां पे कुर्द्स हैं, ठीक है, और वो अपना सेपरेट होमलैंड चाहते हैं, कुर्दिस्तान, ठीक है, तो इस तरह और भी वहां पे कुछ फैक्शंस हैं। तो बाई केमरल जब आपका लेजिस्लेचर हो उसका ये फायदा होता है कि आपके जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, डिफरेंट, जैसे हमारे यहाँ 4 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है अपर चेंबर में। जैसे देखिए हमारे सेनेट में चारों प्रोविंसेस के, बेशक बलोचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है, चारों प्रोविंसेस के 23-23 मेंबर्स हैं बराबर, ठीक है। टर्की में ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ उनके निग्लेक्टेड एरियाज हैं वो बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो जाते हैं फिर, ठीक है, तो ये एक मसला है, ठीक है। तो ये थे इसकी ग्रैंड नेशनल असेंबली के प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर बात की कि इसके पास क्या पावर्स हैं, ठीक है, उससे पहले हमने बात की कि इसके मेंबर्स जो हैं वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आंसर। और जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है, अब देखें टर्की में जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कौन करती है? वो करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का आपको पता है मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट या ग्रैंड नेशनल असेंबली जो लॉ पास करे, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है वो उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अब जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसमें टोटल है 15 मेंबर्स, 15 में से 12 अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, तो जाहिर बात है वो प्रेसिडेंट की बात मानेंगे, प्रेसिडेंट कहेगा कि ये लॉ अपने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें, तो उस लॉ को वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसके ऊपर प्रेसिडेंट का बहुत ही ज्यादा होल्ड है। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सलाम, ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इसमें जो है ना वो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि जो वो पूछ सकते हैं कि जो पहले 2017 से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जो है ना चीजें थी और बाद में क्या चेंजिंग आई, या प्रेसिडेंट की पावर जो है ना वो किस तरह है, या ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है उसकी पावर्स क्या क्या है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। इसका किसी के साथ कंपैरिजन भी हो सकता है किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, या जैसे ये तो बिल्कुल, है ना यूनिकैमरल है ना ये। बिल्कुल, ये इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पावर्स ऑफ
ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, या कंपेयर द पावर्स ऑफ टर्किश प्रेसिडेंट विद फॉर एग्जांपल अमेरिकन प्रेसिडेंट, ठीक है, या और डिस्कस टर्कीज पॉलिटिकल सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर 2017 रेफरेंडम, ठीक है, और इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। ठीक, सही, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिगार्डिंग है, प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, जैसे हमने पास्ट में पढ़ा था कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में डिफरेंस आपने करवाया था, तो जब मार्क्स हम यूज किए थे थ्योरी में, तो वहां पे उसके इनफैक्ट बुक में भी कहीं सोशलिज्म आता था और कहीं कम्युनिज्म आता था, और वो मीनिंग उसकी थ्योरी में सेम लिया जा रहा था, लेकिन अब जैसे सिलेबस में कम्युनिज्म और सोशलिज्म अलहदा टॉपिक्स मेंशन है, अब पास्ट पेपर में तो ये क्वेश्चन आस नहीं है बेसिक डिफरेंस, लेकिन कैन यू टेल व्हाट्स अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म? इसमें जो हार्डकोर कम्युनिज्म थी, जो कार्ल मार्क्स वाली कम्युनिज्म थी, उसमें तो वो यही बात करता था कि हमने आपके इसके पॉलिटिकल साइंस के कोर्स में डिस्कस किए मींस ऑफ प्रोडक्शन, कि मींस ऑफ प्रोडक्शन आपके कम्युनिटी ओन करे, ठीक है, ठीक है, सारे आपके मींस ऑफ प्रोडक्शन कम्युनिटी ओन करे, ठीक है, और उससे पहले डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्कर्स की हुकूमत आए, ठीक है, और वो थी कम्युनिज्म। अब जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म में बेसिकली ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि अमीर और गरीब का जो फर्क है उसको एज मच एज पॉसिबल कम करें, ठीक है, तो अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा वेलफेयर जो है सिस्टम्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं जो आपके पुअर पॉपुलेशन को बेनिफिट करें, ठीक है, तो ये फर्क है। ये भी क्लासलेस सोसाइटी के लिए काम करती है सोशलिज्म, नहीं ये क्लासलेस सोसाइटी की ये बात नहीं करते, ये स्टेट को ये एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है, कि स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो इनइक्वालिटीज हैं ज्यादा इसको ये कम करने की बात करते हैं, ठीक है, जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंट था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, ठीक है, उसको कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा सोशलिस्ट था, क्यों, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा वेलफेयर के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए कि जो गरीब लोग थे उनको वो कैश डिस्बर्समेंट्स, ठीक है, इस तरह देता था और अमीरों के ऊपर बहुत ज्यादा वो टैक्स लगाता था, ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान में जो पीपल्स पार्टी है, ठीक है, उसको कहा जाता है कि ये एक सोशलिस्ट जमात है, ठीक है, सोशलिज्म की फिलोसफी को ये फॉलो करते हैं, वो ऐसे कि ये देखें ये हर वक्त मजदूर की बात करते हैं, ठीक है, हर वक्त जो छोटा काश्तकार है, छोटा फार्मर है, उसकी बात करते हैं, ये कहते हैं कि अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएं और वर्कर्स को और पुअर पीपल को बेनिफिट करें, उनको जैसे आप देखें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी इन्होंने स्टार्ट किया है, वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, तो इस तरह होता है। अब चाइना में भी देखें, चाइना का जो अब सिस्टम है वो उसको कहते हैं कि ये हमारा जो सिस्टम है इट इज़ सोशलिज्म विथ चाइनीज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो चाइना में भी देखें ऐसे तो नहीं पूरी आवाम की तो हुकूमत नहीं है जैसे कम्युनिज्म में होनी चाहिए थी, बल्कि वहाँ पे सोशलिज्म है, हुकूमत स्टेट की है, लेकिन वो अब कोशिश करते हैं कि अमीर और गरीब में फर्क को कम किया जाए और जो लोअर तबका है उसको ज़्यादा बेनिफिट किया जाए थ्रू वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस हैं। कम्युनिज्म वो वाली थी जो मार्क्स के हमने डिस्कस की थी और सोशलिज्म इस तरह वेलफेयर प्रोग्राम्स। सर इसका मीनिंग हम ये चीज कह सकते हैं कि जो कम्युनिज्म था वो एक यूटोपियन आइडिया था,
कि मतलब क्लासलेस सोसाइटी हो जाए, क्लासेस खत्म हो जाए, लेकिन सोशलिज्म एक प्रैक्टिकल आइडिया जिसमें जो लोअर क्लास है उनकी हेल्प की जा रही है ताकि वो अपर क्लास में आए. तो इज इट राइट टू से और नॉट? यस इट इज राइट टू से, क्योंकि कम्युनिज्म जिस तरह वो थी वो तो कभी अचीव नहीं हुई, लेकिन सोशलिज्म काफी हद तक अचीव हो गई है, काफी कंट्रीज में वो हमें नजर आती है. तो वी कैन से दैट. ओके सर, थैंक यू सो मच. चलिए ठीक है जी, होपफुली आपको अच्छा समझ आया होगा. सी यू गाइस टुमारो. अल्लाह हाफिज़.